युवक संघ द्वारा आयोजित राम कुमार यादव एंड टीम द्वारा दो दिवसीय हरे कीर्तन का आयोजन वार्ड नंबर 45 के इलेक्शन लैंड में किया गया। 30 वर्षों से यहां कीर्तन का आयोजन किया जाता है और आज न केवल कोलकाता बल्कि विभिन्न राज्यों से भी लोग कीर्तन में भाग लेने को आ पहुँचे। तो आइए चलते हैं कीर्तन में और सुनते हैं इस अवसर पर संस्था के सदस्यों का क्या कहना है। रामनवमी के अवसर पर आप लोगों ने दो दिन का हरि कीर्तन का आयोजन किया है, क्या बोलेंगे इसका विस्तार से बताएं। धन्यवाद करता हूँ और सभी को कार्यक्रम को संपन्न के लिए 8 बजे के बाद संपन्न होगा मेरा कार्यक्रम और उसके बाद 9 बजे तक हरि कीर्तन से और बोला विवाह कीर्तन चालू होगा। कितने वर्षों से आप लोग ये आयोजन कर रहे हैं? हम तो आपसे पहले आपके पूर्वज लोग करते थे? पूर्वज लोग करते थे। तो ये 2 दिन आप लोगों का हरि कीर्तन चलता है, फिर उसके बाद क्या कार्यक्रम होता है? मेरा दोनों का हरि कीर्तन कल भंडारा का होगा। भंडारा का आयोजन कब करेंगे? 11 बजे से सोमवार को। अच्छा, और क्या बोलेंगे इस शुभ अवसर पर लोगों से क्या वार्ता करेंगे? हम लोग संगीत समाज से सम्मान करेंगे और मेरा इसी तरह हम लोग का मन उदास होते रहे, प्रत्येक साल की बात इस तरह भी होते रहे। आपके मंच पे देखा गया कि सभी राजनीतिक दलों के नेता लोग आए, क्योंकि ये धार्मिक मामला है, सभी लोग आए और सभी का आपने बहुत अच्छे से स्वागत भी किया, तो क्या बोलेंगे कैसी? ये हम लोग का ये भगवान का पर्व है, सभी को आना आवश्यक समझे, इसलिए सभी आवेदन निमंत्रण किए थे और सभी को मिला के चलते हम लोग के धर्म में। यहाँ को ना हिंदू धर्म और ना कोई मुस्लिम है, सभी मिला के जितना हम लोग कार्यक्रम सभी धर्म को मिला के चलते। कीर्तन में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ बिहार से हैं, अब यूपी से हैं, अब राजस्थान से हैं, पूरा बंगाल से, गुजरात के जितने भी हैं, 45 नंबर वार्ड का जितने भी वर्कर हैं, जितना भी है समाज से भी आदमी, कितने जो कीर्तन मंडली जुड़े हैं सभी आते हैं। ये लोग जो अभी कीर्तन कर रहे हैं, तो ये लोग क्या बंगाल के ही है या फिर कहीं और के? नहीं, ये लोग बंगाल के हैं। और क्या आप लोगों का साल भर क्या कार्यक्रम करते रहते हैं? मेरा ये कार्यक्रम होता है, उसके बाद जागरण होता है फरवरी महीना में। अच्छा, उसके बाद का सरस्वती पूजा होता है यहाँ पे, उसके बाद का आपका ये विश्वकर्मा पूजा होता है। हम लोग 5 प्रोग्राम करते हैं। आपका नाम और परिचय? मैं राम कुमार यादव, मैं बच्चे हैं, मैं जंक्शन लेन में रहता हूँ, समाज से। बताए अपने संस्था के बारे में और इस कार्यक्रम का प्रोग्राम। सब जितना नवयुवक संघ और बुजुर्ग पहले हैं वो सब मिला के ये प्रोग्राम अच्छा से चल रहा है और मैं कृष्ण की दया से आगे और बढ़ते चलेगा। सारा मैनेजमेंट के लिए पूछिए, यही कर रहे हैं। अच्छा, हमारे संस्था में जो है और अपने संस्था के बारे में और इस किस तरह से आप लोग तैयारी किए हैं उसका थोड़ा सा बताएं। मैंने बुजुर्ग लोग तैयारी किए और हम लोग इसको उल्लास के साथ ऊपर बढ़ाते चला रहे हैं। काफी वरिष्ठ है यहाँ पे और बुजुर्ग है और जैसा लग रहा है कि जब शुरुआती दौर था तभी से आप लोगों ने शुरू किया, तो अभी आप लोगों की युवा पीढ़ी जो संभाल रही है आप लोगों की इस जिम्मेदारी को, क्या कैसा लग रहा है बताइए? नहीं, कैसा लग रहा है कि हम लोग कर रहे हैं प्रोग्राम तो बहुत सुंदर हो रहा है, हर चीज यहाँ ठीक है, कोनो चीज के झमेला नहीं है, व्यवस्था भी ठीक है, भगवान का मनाते हैं कि ये सब चले। हम लोग बहुत
क्या बोलेंगे आज के कीर्तन को लेकर? आज से 2008 से शुरू किया अष्टम हरि कीर्तन, आज तक चालू रहा। अभी लड़का बच्चा लोग है, अपना संभाला, पहले से बहुत अच्छा ढंग से काम कर रहा है लोग भक्ति में, उसमें सब आदमी खुश रहता है और ये प्रोग्राम हर साल बढ़ता ही जा रहा है। हर साल और बड़े पैमाने पे होता है? हाँ, बड़े पैमाने से और बढ़ता ही, हर साल बढ़ता ही जा रहा है। जब आपने शुरुआत की थी तो उस वक्त से लेकर अभी तक का जो सफर है उसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले शुरुआत तो थोड़ा बहुत से किया था, उसके बाद आते आते बढ़ते बढ़ते अभी बहुत विराट हो गया। जितना नवयुवक संघ जो है ना, जक्टर लाइन का नवयुवक संघ, ये लोग अपना उत्साह के साथ, व्यवसायी लोग, मजदूर लोग, गाड़ी ओनर जितने भी है, सब मिल करके यहाँ पूजा हो रहा है। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, अपना ये बिहार यूपी जो भी है, राजस्थान, बंगाली, मद्रासी, सब धर्म का मिला के यहाँ पे हो रहा है। पहले से बहुत विख्यात, बहुत खुशी है हम लोग का समाज भी, और जितने भी मोहल्ला के जितने भी है सब एकदम खुशी है ये प्रोग्राम देख कर। आपका नाम? हमारा बिहार पड़ता है समस्तीपुर। राजा राम जी शर्मा, नाम राजा राम साहू है। सुरेश साहब जी का बयान क्या बोलेंगे? देखिए आप चैनल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो है नवयुवक संघ का आज 21 साल से प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ऊंचे नीचे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। जैक्सन लाइन के रहने वाले हैं, सबको सम्मान देकर चलाता हूँ। आप भी इसी संस्था से जुड़े हुए हैं? अध्यक्ष महोदय हैं, हम सचिव हैं। अच्छा। और हमारे अमर जी हैं और रुदल है, शंकर जी है। यहाँ पर सभी नवयुवक संघ का एक संगठन है, 25-30 आदमी का संगठन है, जो सभी का बिना भेदभाव का 21 साल से कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। दो दिन के बाद रामनवमी है, उसके लिए कोई संदेश दीजिए। रामनवमी एक अपने जगह पर है, लेकिन ये हम लोग को जो है 24 घंटा का हरि कीर्तन होता है जो कंटिन्यू चलता है। तो आज मोटा मोटी 7 बजे संपन्न होगा, कल सोमवार को महाभोग का आयोजन है जिसमें 15,000 से 20,000 आदमी का भोग किया है। तो भोज में आप लोग क्या क्या वितरण करते हैं? भोग में एकदम पूरा 100% वेजिटेरियन खिचड़ी का प्रोग्राम। हरे राम साहु जी। आपका नाम? सुरेश साहु जी। हरे राम साहु जी, क्या बोलेंगे इस शुभ अवसर पर? ये सब बोले, सब कुछ बढ़िया है, अपना जक्शन लाइन सब मिल करके अमर अमर कोई तरह का दुआ भाव ने अपना प्रेम सुझाए, सो हर साल इस प्रोग्राम को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। आज के कीर्तन के बारे में थोड़ा बताएं। हरि कीर्तन हम लोग कम से कम 35 साल हो गया है हरि कीर्तन का। हम लोग हर साल बहुत जोर शोर से करते हैं, बहुत सारा संगठन हम लोग का यहाँ जो है, बहुत एकजुट होता है सार्वजनिक, हम लोग जो है सारा आदमी मिलकर भगवान का भक्ति में एकदम हर चीज करके पूरा एकदम कम्प्लीट करके, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हर साल हम लोग 24 घंटा हरे राम हरे कीर्तन हवन चालू रहता है, रामायण चालू रहता है, भजन चालू रहता है। आज के कीर्तन के बारे में बताएं।